प्रणाम बच्चों, मैं शिल्पा धोत्रे आपकी कक्षा पहली हिंदी की अध्यापिका। मैं आप सभी का नागेश करज की ऑर्किड स्कूल की तरफ से स्वागत करती हूँ। बच्चों, इससे पहले की तासिका में हमने सीखी थी ए की मात्रा, तो आज सबसे पहले हम करते हैं ए की मात्रा की पुनरावृत्ति, मतलब ए की मात्रा का और एक बार सराव करते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं ए की पुनरावृत्ति करते हैं, मतलब ए की मात्रा का और एक बार हम सराव करेंगे। तो ये है ए की मात्रा। ए की मात्रा ऐसी होती है जो कि अक्षरों के ऊपर दी जाती है। दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे ऊपर अक्षरों के ऊपर होती है। जैसे कि देखो, क जमा ए के, क जमा ए के, और उस पर आधारित शब्द देखो, क ख, ख के ऊपर देखो यहाँ पे कौन सी मात्रा है, ए की मात्रा। फिर क्या हुआ वो, खे ल खेल, क कौन सा व्यंजन है ये, र, एक रे ल, ल की मात्रा ला, ये शब्द क र के ऊपर ए की मात्रा रे, ल को आ की मात्रा ला, करेला। नीचे देखो, भ, भ के ऊपर ए की मात्रा भे, ल प को कौन सी मात्रा है जो नीचे दी जाती है, बड़ी उ की मात्रा पू, र को बड़ी की मात्रा री। क्या हुआ फिर वो शब्द देखो, भे ल पू री, भेलपुरी। और एक बार उन सारे शब्दों का वाचन करते हैं, एक खेल करेला भेलपुरी। इससे पहले की तासिका में हमने ए की मात्रा पर आधारित वाक्यों का, शब्दों का वाचन किया था। पढ़ो और समझो। क जमा ए की मात्रा के, ख जमा ए की मात्रा खे, ग जमा ए की मात्रा गे, घ जमा ए की मात्रा घे, के खे गे घे। इसके बाद हमने देखा था ए की मात्रा हर एक व्यंजन के साथ मिलने पर उसका उच्चार कैसे होता है। जैसे कि देखो, क जमा ए के, ऐसे ही हर एक व्यंजन के साथ ए की मात्रा मिलने पर उसका उच्चार कैसे होता है, उसका हम वाचन करेंगे। आप सभी को भी मेरे पीछे पीछे इसका वाचन करना है। के खे गे घे, से छे जे झे, टे ठे डे ढे ने, ते ठे दे धे ने, पे फे बे भे मे, ये रे ले वे शे, शे से हे शे त्रे, गे श्रे। ये थी ए की मात्रा। बच्चों,
अभी मुझे बोलो आपको इस चित्र में कौन सा प्राणी दिख रहा है? पहले चित्र में कौन सा प्राणी दिख रहा है? बिल्कुल सही, शेर। पहले चित्र में कौन है? शेर का चित्र है। शेर को क्या कहा जाता है? शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। शेर को सभी प्राणी, पक्षी, पशु एवं मनुष्य भी शेर से बहुत डरते हैं। आपको भी डर लगता है ना शेर का? तो सभी प्राणी, पशु, मनुष्य भी शेर से बहुत डरते हैं। जंगल में शेर सभी शेर से डरते हैं। शेर की बात सभी मानते हैं। और दूसरे चित्र में क्या है? ये कौन सा चित्र है? कौन से प्राणी का चित्र है दूसरा? गधा। कौन सा चित्र है? कौन से प्राणी का चित्र है दूसरे चित्र में? गधे का चित्र है। गधे से कोई डरता है क्या? बिल्कुल नहीं, गधे से कोई भी नहीं डरता है। सभी गधे की मजाक उड़ाते हैं। सिर्फ गधे का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल इसका उपयोग बोझा, सामान उठाने के लिए किया जाता है। गधा अपनी मंद बुद्धि के लिए प्रख्यात है। गधे को अधिकतर धोबी या कुमार वर्ग के लोगों द्वारा पाला जाता है, इसीलिए गधे को कोई भी नहीं डरता। तो बच्चों, आज हम इसी शेर और गधे पर आधारित एक कहानी पढ़ेंगे। उस कहानी का नाम है गधा बना शेर। तो अभी क्या करना है आप सभी को? अपनी अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका निकालनी है, उसमें से पृष्ठ संख्या 54 निकालिए। वहाँ पे है गधा बना शेर। तो अब हमें क्या करना है? गधा बना शेर इस कहानी को पढ़ना है। सभी ने अपनी अपनी किताबें निकाली है, पृष्ठ संख्या 54 मतलब पेज नंबर 54 निकाली सभी ने अपनी अपनी किताबें। वेरी गुड। कहानी का शीर्षक क्या है बच्चों? यहाँ पे देखो कहानी का शीर्षक है। कहानी का नाम क्या है? गधा। गधा बना, बना शेर, शेर। गधा बना शेर, गधा बना शेर। क्या है कहानी का नाम? गधा बना शेर। तो चलो देखते हैं कहानी में क्या है। अभी हम पहले सबसे पहले इस कहानी का वाचन करते हैं। ये कहानी एक ही मात्रा पर आधारित है। तो आज हम सबसे पहले इस कहानी का वाचन करेंगे। आप सभी को भी अपने अपनी किताबों में अपनी अपनी उंगलियां रखकर इस कहानी का मेरे पीछे पीछे वाचन करना है। तो चलो शुरुआत करते हैं कहानी का वाचन। एक, एक गधा, गधा था, एक गधा था। वह, वह अपने, अपने। न के ऊपर लाल रंग से दिखाई दिए वो कौन सी मात्रा है बच्चों? ए की मात्रा, जो कि अक्षरों के ऊपर दी जाती है। दिख रहा है ना यहाँ पे आपको? न के ऊपर ए की मात्रा। ने, अपने। ली, ए, लिए। खा, ने, खाने। पी, ने, पीने, खाने पीने। की, ची, ज, चीज। त, ला, श, तलाश। र, हा, रहा, था। एक गधा था, वह अपने लिए खाने पीने की चीज तलाश रहा था। सबसे पहले हम पूरे कहानी का वाचन करेंगे, बाद में मैं आपको इस कहानी का स्पष्टीकरण देती हूँ। तो सबसे पहले हम इस कहानी को अच्छे से पढ़ेंगे। तभी, तभी उसे, उसे पेड़, पेड़ के
नीचे, नीचे, शेर, शेर की खाल, खाल, दिखी, दिखी। तभी उसे पेड़ के नीचे शेर की खाल दिखी। उसने, उसने शेर, शेर की खाल, खाल उठा, उठा ली। उसने शेर की खाल उठा ली। रात, रात के समय, समय गधे, गधे ने शेर, शेर की खाल, खाल रात के समय गधे ने शेर की खाल पहन ली। फिर, फिर तरबूज, तरबूज के खेत, खेत की तरफ, तरफ चल, चल पड़ा, पड़ा। फिर तरबूज के खेत की ओर चल पड़ा। उसे, उसे शेर, शेर समझ कर, समझ कर। आपको एक 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 अक्षर पढ़ते हुए पूरे शब्दों का, वाक्यों का धीरे धीरे वाचन करना है। उसे शेर समझकर खेत, खेत के पहरेदार, पहरेदार भाग, भाग गए, गए, गधे, गधे ने जमकर, जमकर तरबूज, तरबूज खाए, खाए। अब एक साथ सभी वाक्यों का वाचन करते हैं। एक गधा था, वह अपने लिए खाने पीने की चीज तलाश रहा था। तभी उसे पेड़ के नीचे शेर की खाल दिखी। उसने शेर की खाल उठा ली। रात के समय गधे ने शेर की खाल पहन ली। फिर तरबूज के खेत की तरफ चल पड़ा। उसे शेर समझकर खेत के पहरेदार भाग गए। गधे ने जमकर तरबूज खाए। क्या है यहाँ पे? एक गधा था। इस कहानी में क्या है? एक गधा है। अपने लिए खाने पीने की चीज तलाश रहा था। उसे बहुत जोर से भूख लगी थी, लेकिन उसको खाने में कुछ भी नहीं मिला था। वह खाने पीने की तलाश कर रहा था। इधर उधर वो खाने पीने के लिए कुछ तो ढूंढ रहा था। गधा, गधे को सभी जंगल में कोई भी उसकी नहीं सुनता था। उसके लिए उसे कोई भी नहीं डरता था, इसलिए वो खाने पीने की तलाश कर रहा था। तभी उसे पेड़ के नीचे शेर की खाल दिखी। खाल मतलब चमड़ी, मतलब त्वचा। वहाँ पे क्या दिखा उसको? पेड़ के नीचे शेर की चमड़ी यानी कि शेर की खाल दिखाई थी। तो उसने, गधे ने सोचा
कि मैं इस शेर की खाल पहन लेता हूँ और मुझे जहाँ जाना हो वहाँ मैं घूम सकता हूँ। सभी मुझसे डरकर भाग जाएंगे, तब मुझे मैं जो चाहे वो खा सकता हूँ, ऐसा गधा सोचता है। फिर उसने क्या किया, वो पेड़ के नीचे की शेर की खाल उठा ली। उसने शेर की खाल उठा ली। रात के समय गधे ने शेर की खाल पहन ली। उस शेर की खाल को उठाकर वो गधा रात के समय में, जब रात हुई तब उसने वो शेर की खाल पहन ली। फिर तरबूज के खेत की ओर चल पड़ा। वो शेर की खाल पहनकर वो गधा तरबूज के खेत में चल पड़ा। उसे शेर समझकर खेत के पहरेदार भाग गए। वो गधा जब शेर की खाल पहनकर खेत में आया, तब वहां पर रखवाले, मतलब पहरेदार मतलब रखवाले, जो कि खेत की रक्षा करते हैं, वो पहरेदार उस गधे को शेर समझकर वहां से भाग गए। फिर गधे ने जमकर तरबूज खाए। फिर उस गधे ने आराम से खेत में से बहुत सारे पेट भर के तरबूज खाए। अभी देखो आगे क्या हुआ होगा। पहले इसका वाचन करेंगे, फिर बाद में मैं आपको समझा कर बताऊंगी। ग धा, गधा, ह र, हर, रा त, रात, ऐ सा, ऐसा, क र ने, करने, ल गा, लगा। गधा हर रात ऐसे करने लगा। ए क, एक, दी न, दिन, ग धे, गधे, ने, बे र, बेर, खा ए, खाए। गधा हर रात ऐसा करने लगा। एक दिन गधे ने बेर खाए। बेर मतलब मराठी में बोरो, पता है ना, मराठी में बोरो बोलते हैं उसको, आपको भी पता है ना बोरो कैसे होते हैं, वो खाए बेर, हिंदी में उसको बेर कहा जाता है। एक दिन गधे ने बेर खाए। बे र, बेर, खा क र, खाकर, व ह, वह, खुशी, खुशी, से, झू म, झू, उठा, उठा, त था, तथा, ग धे, गधे, की, आ वा ज, आवाज, नी का ल ने, निकालने, ल गा, लगा। बेर खाकर वह खुशी से झूम उठा तथा गधे की आवाज निकालने लगा। ग धे, गधे, की, आ वा ज, आवाज, सु न क र, सुनकर, प ह रे दा र, पहरेदार, भागे, 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 आ ए, आए। वे गधे की आवाज सुनकर पहरेदार भागे भागे आए। वे ला ल ते न, लालटेन, ले क लेकर, आ आए। वे लालटेन लेकर आए। वे शेर, शेर की
खा ल खाल प ह ने पहने ग धे गधे की प हे ली पहली स म ज समझ ग ए गए वे शेर की खाल पहने गधे की पहली समझ गए। ग धे गधे की खू ब खूब पी टा ई पिटाई हू ई हुई गधे की खूब पिटाई हुई। क्या है यहाँ पे? गधा हर रात ऐसे करने लगा। एक दिन गधे ने बेर खाए, बेर खाकर वह खुशी से झूम उठा तथा गधे की आवाज निकालने लगा। गधे की आवाज सुनकर पहरेदार भागे भागे आए, वे लालटेन लेकर आए। वे शेर की खाल पहने गधे की पहली समझ गए, गधे की खूब पिटाई हुई। क्या है यहाँ पे? गधा हर रात ऐसे करने लगा। गधा हर रात शेर की खाल पहनकर खेत में आने लगा और खेत में उगे हुए सारे फल खाने लगा। एक दिन ऐसे ही गधे ने बेर खाए। बेर पता है ना आपको? मराठी में उसे बोरा बोलते हैं। बेर खाए, फिर वो बेर खाकर वो गधा बहुत ही खुश हुआ। खुशी खुशी में वो झूम उठा और गधे की आवाज निकालने लगा। उस गधे की आवाज सुनकर वहां पर जो पहरेदार थे, जो खेत की रक्षा करते थे ना, वो लोग भागे भागे हुए वहां पे खेत में आए। वे लालटेन लेकर आए। लालटेन मीन्स लैम्प, दिख रहा है यहाँ पे आपको लालटेन? वो पहरेदार लालटेन लेकर आए। वे शेर की खाल पहने गधे की पहली समझ गए। वो उस गधे ने शेर की खाल पहनकर उन लोगों को उसकी जाल में फंसा रहा था। वो उसकी पहली शेर गधे की पहली वो पहरेदारों ने समझ ली। फिर उन लोगों ने गधे की खूब पिटाई की। दिख रहा है यहाँ पे आपको चित्र में? शुरुआत से देखते हैं हम। एक गधा था, वह अपने लिए खाने पीने की चीज तलाश रहा था। तभी उसे पेड़ के नीचे शेर की खाल दिखी। उसने शेर की खाल उठा ली। रात के समय गधे ने शेर की खाल पहन ली, फिर तरबूज के खेत की तरफ चल पड़ा। उसे शेर समझकर खेत के पहरेदार भाग गए। गधे ने जमकर तरबूज खाए। एक गधा था, उसे बहुत जोर की भूख लगी थी, इसीलिए वो खाने की तलाश में इधर उधर खाने की चीज ढूंढ रहा था। तभी उसको एक पेड़ के नीचे शेर की खाल दिखाई दी, मतलब शेर की चमड़ी यानी कि त्वचा दिखाई दी। तो गधे ने क्या सोचा कि मैं ये इस शेर की खाल पहन लूंगा और फिर मुझे सभी लोग मुझसे डर कर भाग जाएंगे और इसी का फायदा उठा के मैं ये सारे फल खा सकूंगा, अपना पेट भर सकूंगा, यह गधा सोचता है। तो उसने क्या किया, रात को उस शेर की खाल पहन ली, फिर तरबूज के खेत में चला गया। उस गधे को शेर की खाल पहने हुए गधे को शेर समझकर उस खेत के जो पहरेदार थे ना, उन लोगों ने उस गधे को शेर समझा और पहरेदार वहां से खेत में से भाग गए। गधे ने फिर जमकर आराम से तरबूज खाए। फिर वह गधा हर रात ऐसा करने लगा। एक दिन गधे ने बेर खाए, बेर खाकर वह खुशी से झूम उठा तथा गधे की आवाज निकालने लगा। गधे की आवाज सुनकर पहरेदार भागे भागे आए, वे लालटेन लेकर आए। वे शेर की खाल पहने गधे की पहली समझ गए, गधे की खूब पिटाई हुई।
करने लगा। उसके बाद गधा हर रात ऐसे ही करने लगा। उस शेर की खाल पहनकर खेतों में आकर खेतों में उगे हुए सारे खा रहा था। हर रात वो ऐसे ही करने लगा था। एक दिन गधे ने बेर खाए। वो बेर खाकर वह गधा बहुत ही खुश हुआ और खुशी खुशी में झूम उठा तथा जोर जोर से आवाज निकालने लगा। फिर उस गधे की आवाज सुनकर वहां पर जो पहरेदार थे, जो खेत की रक्षा कर रहे थे, वो पहरेदार भागे भागे हुए आए। वो वहां पे लालटेन लेकर आए। दिख रहा है यहाँ पे आपको लालटेन? लालटेन मीन्स लैम्प। वो लालटेन लेकर वहां पे गधे के पास आए। वो लोग गधे की उस पहेली को समझ गए कि ये शेर नहीं है, गधा है, इसने शेर की खाल पहनी हुई है। फिर उन लोगों ने, उस पहरेदारों ने उस गधे की जमकर पिटाई की। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलता है? इस कहानी से क्या सीख मिलता है कि कभी भी हमें दूसरों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अपनी पहचान नहीं खोनी चाहिए। कभी कभी यह खतरनाक साबित होता है, जैसा कि यहाँ पे गधे की हालत हुई है। गधे ने अपनी पहचान खोकर शेर की खाल पहन ली थी, मतलब दूसरों का गलत इस्तेमाल किया था और अपनी खुद की पहचान उसने खोई थी। पर ये पहचान कभी कभी खतरनाक साबित होता है, जैसा कि यहाँ पे गधे को हुआ। गधे को फिर उन पहरेदारों ने उसकी खूब पिटाई की। और आप जो है, आपको उसी में खुश रहना चाहिए, दूसरों की तरह बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कभी भी हमें दूसरों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये थी गधा बना शेर। तो आज बच्चों, हमने एक ही मात्रा पर आधारित गधा बना शेर यह पाठ किए। तो इसके आगे के वीडियो में हम इस पर आधारित प्रश्नोत्तर लिखेंगे। तो आज तक तो आपको क्या करना है, आज का गृह कार्य है गधा बना शेर इस कहानी का, इस पाठ का दो बार वाचन करना है। धन्यवाद।